छः के रात पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलो इसका इस्तेमाल देखें। इसमें एक से दस तक ऐदाद लिखे हुए हैं। ये इस तरह से घूम सकता है। इसके दरमियान में जो अदद आएगा इसके आगे और पीछे के ऐदाद लिखना है। जैसे चार, चार के पहले तीन आते हैं और चार के बाद पांच आते हैं। छः से पहले पांच आते हैं, छः के बाद सात आते हैं। आठ, आठ के पहले सात आते हैं और आठ के बाद नौ आते हैं। थैंक यू।